सो वेल गाइस, अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है और आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन बार बार चलता रहता है कि आपको क्वांटिटी या फिर क्वालिटी पे फोकस करना है, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आपको कौन सी अप्रोच आपके लिए सही हो सकती है फ्यूचर में, और किस अप्रोच के थ्रू आप अपने म्यूजिकल करियर को और ज़्यादा ग्रोथ दे सकते हैं। इट्स अ बॉय सुल्तान, यू वॉचिंग नो हिप हॉप, सो लेट्स स्टार्ट रोलिंग विद दिस वन। सो गाइज, ये क्वेश्चन बार बार मेरे पास पूछा जाता है कि हम एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो कौन सी अप्रोच ज़्यादा बेटर रहेगी? क्या हम बहुत सारे गाने बैक टू बैक निकालें, या फिर हम कम गाना निकालें बट क्वालिटी मेंटेन कर लें? तो गाइज, यहाँ पर ये दोनों ही जो अप्रोचेज हैं, दोनों ही मेथोडोलॉजीज हैं, इन्होंने अपने अपने तरह से, अगर आप इसको सही से अगर आप इवेल्यूएट करने की कोशिश करोगे तो इनके रिजल्ट्स आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे समझने में। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वांटिटी की। हमने रस मॉडल देखा, रस मॉडल वो मॉडल था जहाँ पर उन्होंने ऑलमोस्ट हर वीक अपने सॉन्ग्स लॉन्च किए। उनका कैटलॉग इतना बड़ा हो गया कि जब वो कैटलॉग एक टाइम के बाद मार्केट में, उसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया और रस अपने आप में एक बहुत बड़े इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बन गए। सेम मैथडोलॉजी को यूज़ किया एमिवे बंटाई जब से पॉपुलर हुए, उससे पहले अगर आप उनका कैटलॉग देखें तो उनका भी सिमिलर यही कैटलॉग था, उनका भी सिमिलर यही प्रोसेस था। बैक टू बैक उन्होंने ऑडियोज अपने लॉन्च किए, वीडियोज़ की क्वालिटी कैसी भी हो, ऑडियो की क्वालिटी कैसी भी हो, बट एक चीज़ उन्होंने बहुत ही ध्यान से रखी है अपने संभाल के, वो थी कंसिस्टेंसी। बैक टू बैक उनके सॉन्ग्स महीनों के महीने आते रहे, चीज़ें उनकी होती रही और कंसिस्टेंटली उन्होंने 200-250 सॉन्ग्स अपने रेडी किए। और आज के डेट में आप देख रहे हो कि उनके कैटलॉग कितना बड़ा है और किस तरह का वो उसको पुश देता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे यूट्यूब हो, चाहे स्पॉटिफाई हो, या फिर कोई डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो। कहीं ना कहीं क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट है अगर आप उस तरह की हसल है तो। अगर आपके पास उस तरह की वर्सटैलिटी है, आप एक वर्सटाइल आर्टिस्ट हो, आप डिफरेंट सॉन्ग्स बना सकते हो और फटाफट बना सकते हो, क्वांटिटी आपको वहाँ पर 100% हेल्प करने वाली है। बट पर्सनली मुझे लगता है कि क्वांटिटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई और चीज़ है, वो है हमारी कंसिस्टेंसी। आपने वो स्टोरी ज़रूर सुनी होगी जहाँ पर स्कूल टाइम में हमें बताया गया था कि पानी गिरता है एक जगह पे तो पानी एक पत्थर पे भी निशान डाल देता है, रसरी आवाज जावत रहे सिर पर पर निशान। एक दोहा भी था कबीरदास जी का शायद, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप डेंट ज़रूर डालोगे। अगर आप एक कंसिस्टेंट आर्टिस्ट हो तो इंडस्ट्री पे अपने फैंस के बीच में आप डेंट ज़रूर डालोगे, अपना मार्क ज़रूर छोड़ कर जाओगे। कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत सारे रैपर्स ये बोलते हैं कि हम अपना सॉन्ग इसलिए रेडी नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि सॉन्ग परफेक्ट नहीं है। आपने चार सॉन्ग बनाए बट चारों सॉन्ग आपने रिलीज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको लगता है कि इन सॉन्ग में अभी कोई कमी है, हमें इसे और परफेक्ट करना है, और परफेक्ट करना है। जिसकी वजह से जो आपने पहले सोचा था कि मैं 4 महीने में 4 सॉन्ग लॉन्च करूँगा, 4th महीने भी आपका कोई सॉन्ग लॉन्च नहीं होता है और आपको भी लगता है कि आपके सॉन्ग पे आपको और काम करना है, और पॉलिश करना है, उसको और स्ट्रॉन्ग करना है, बट वो नहीं हो पाता। गाइस, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि देर इज़ नथिंग कॉल्ड ए परफेक्ट सॉन्ग। हर सॉन्ग में इम्प्रोवाइजेशन की उम्मीदें होती ही है, होप होती है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि हर एक सॉन्ग परफेक्ट सॉन्ग हो, माइनर से लेकर मेजर तक हर एक तरह की चेंजेस उसमें पॉसिबल होते हैं। हैविंग लाइकिंग फॉर म्यूजिक इज़ वेरी सब्जेक्टिव। जो गाना मुझे अच्छा लग सकता है, हो सकता है वो आपको अच्छा ना लगे, हो सकता है जो गाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो आपको कम अच्छा लगे, जो गाना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है शायद मैं उसे सुनना भी ना चाहूँ। तो एक सब्जेक्टिव ओपिनियन होती है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि एक टाइम के बाद आपको अपने परफेक्ट शनिज्म को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको लगता है कि यस सॉन्ग इज़ इन गुड शेप, अब ये सॉन्ग इस कंडीशन पे है कि मैं इसे लॉन्च कर सकता हूँ, आपको वो सॉन्ग उसी टाइम लॉन्च कर देना चाहिए। अ गुड सॉन्ग कैन बिल्ड योर करियर, जो आप ऑडियंस के सामने लेकर जाते हो, बट एक ऐसा अच्छा गाना जो कि आपकी लाइब्रेरी में पड़ा है, जो आपके बैंक में पड़ा है, जो कभी रिलीज़ नहीं हुआ, वो कभी भी आपको कोई बेनिफिट देकर नहीं जाने वाला, वो आपको 2 एक्स्ट्रा सब्सक्राइबर्स, 4 मंथली लिसनर नहीं बढ़ा कर देने वाला है। तो कोशिश ये कीजिए कि आपका एक अच्छा सॉन्ग जो आपको लगता है कि रिलीज़ करने लायक है उसे रिलीज़ कीजिए, बट एक ऐसा सॉन्ग जो बहुत अच्छा है उसको अपने लाइब्रेरी में रख के आप उसे बर्बाद मत कीजिए। वो स्टेल हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, साउंड पुरानी हो जाती है, लिरिकली किसी और ने उस तरह के लिरिक्स यूज़ कर लिए, वो फ्लो यूज़ कर लिया, तो फिर आपको बाद में वो सॉन्ग आपको वेस्ट करना पड़ेगा। कोशिश सिर्फ इस चीज़ की कीजिए। साथ ही अब बात कर लेते हैं क्वालिटी। कैसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जिनको ये लगता है कि उनके पास एक लिमिटेड बजट है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, वो साल के फॉर एग्जांपल सिर्फ 12 गाने ही लॉन्च कर सकते हैं, हर महीने एक सॉन्ग लॉन्च कर सकते हैं, तो वो पूछते हैं कि क्या हम ये करें कि हम 12 गाने हर महीने लॉन्च करें, या फिर बेटर क्वालिटी, बेटर ऑडियो, बेटर मिक्सिंग, बेटर मास्टरिंग, बेटर वीडियो के साथ, बेटर प्रोडक्शन के साथ हम
छः गाने लॉन्च करें, जो बजट हमने 12 गानों के लिए एलोकेट किया था, बट अब हम 6 गाने लॉन्च करें और हर एक अल्टरनेट मंथ पे हमें गाने को लॉन्च करें। तो अगेन गाइस, ये भी अगेन आपकी बहुत ही कैलकुलेटिव कॉल होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप 12 गाने के बजाय 6 गाने लॉन्च कर रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर यहाँ पर भी कीजिए कि आप कंसिस्टेंट रही। आप ये मत कीजिए कि पहला गाना आपने जनवरी में लॉन्च किया, दूसरा गाना आप जुलाई में लॉन्च कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंट रही। अगर आपने पहला गाना जनवरी में किया तो वर्क एज पर योर प्लान, दूसरा गाना फिर आप मार्च में लॉन्च कीजिए, तीसरा फिर आप मई में कीजिए, और इस तरह से आप पूरे साल का कैलेंडर अपना शेड्यूल अपना सेट रखिए, उससे डाइवर्ट मत कीजिए, अपने आप को डाइवर्ट मत कीजिए। तो गाइस मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर आप कैलकुलेटेड करते हो ठीक से, जिसमें कि आप क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों चीज़ को आप बैलेंस लेकर साथ में चल रहे हो, बट आप कंसिस्टेंट रहो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंट। कई लोग पूछते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो क्यों हुआ है, तो मुझे लगता है गाइस सिर्फ ग्रो इसलिए हुआ क्योंकि मैं कंसिस्टेंट हूँ। मेरी हर महीने 4 से 5 वीडियो आनी ही है, कभी कभी 6 भी आ सकती है, 7 भी आ सकती है, बट ये कभी नहीं होगा कि 4 से कम वीडियो आई होगी, चाहे कैसा भी वर्क शेड्यूल चल रहा हो, कैसा भी तरह का मौसम हो, कितने भी पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे हो, कंसिस्टेंसी इज द फैक्टर, कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा। तो आई एम श्योर कि आपको आज के वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक आर्टिस्ट के साथ जरूर ऐसे शेयर कीजिए जिसको इस तरह की कंसिस्टेंसी की जरूरत है लाइफ में, जिसको इस तरह की वीडियो की जरूरत है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे एपिसोड। इट्स अ वॉइस ऑफ तानसेनी फॉर टुडे। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नो हिप हॉप। टिल देन लॉट्स ऑफ लव एंड पीस।